Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor, Yasir sir. And this is video lecture number 2nd for the class 11th. Today, mere pyare bachcho, we are going to discuss thermodynamic properties, jo aaj ka hamara topic hai. Jo pehla video lecture tha, lecture number 1st of our thermodynamics, उसमें हमने जो है इंट्रोडक्शन दिया था आपको थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है और हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के रिलेटेड जो है पढ़ा था, जैसे कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होता है, यूनिवर्स का क्या कॉन्सेप्ट है और सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो बाउंड्री है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, बाउंड्री किस टाइप की हो सकती है. एंड उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सिस्टम, जिसमें मैंने कहा आपको ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है. प्यारे बच्चों, जो बच्चे ये वाला वीडियो लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि वो पहला लेक्चर जो है थर्मोडायनेमिक्स का जो अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है पहले वो देख लें और उसके बाद जो है आप लेक्चर नंबर 2nd देख लीजिए. ठीक है, तो चलिए आज का हम टॉपिक जो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज वो डिस्कस करते हैं. तो सिंस आपको पता है हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स, और मैंने आपको कहा है दैट थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा ब्रांच साइंस का है जिसमें आप हीट के बारे में पढ़ते हो, एनर्जी के बारे में पढ़ते हो और इनके साथ जो चेंजेस रिलेटेड होती है उनके बारे में पढ़ते हो. हालांकि खाली हम इतना नहीं, हम वर्क के बारे में पढ़ते हैं, हम एंट्रोपी के बारे में पढ़ते हैं, हम गिब्स फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, हम एंथैल्पी के बारे में पढ़ते हैं. हालांकि दीज आर ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बेसिकली, जो हम धीरे धीरे और स्लोली जो हम इस यूनिट में सीखेंगे. तो प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होता है? देखिए, कोई भी प्रॉपर्टीज जब आप डिस्कस करते हो सिस्टम के लिए, सो फार एज अ थर्मोडायनेमिक्स इज अंडर कंसिडरेशन, यानी कि जब आप थर्मोडायनेमिक्स यूनिट पढ़ते हो तो उस टाइम जो भी सिस्टम के लिए आप प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हो उनको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो ये है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर बेसिकली ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. आज का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में. हालांकि ये बहुत सिंपल टॉपिक सा लगता है लेकिन सिंपल है नहीं. तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. ठीक है ना, दीज आर क्लासिफाइड यूजुअली इनटू टू टाइप्स. नंबर फर्स्ट, पहले टाइप को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मैं यहां पर लिखता हूं, पहले टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. यहाँ पे मैंने लिखा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. और दूसरा टाइप जो है प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो है उनको ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. वन इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरे को जो हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं. ठीक है, अब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सर क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम की होती है जो कि अमाउंट ऑफ द मैटर, अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस पे जो है वो डिपेंड करता है. तो दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट द क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट, या स्लैश आप ऐसे भी कह सकते हो क्वांटिटी, विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ ए सबस्टेंस. जो अमाउंट या क्वांटिटी सबस्टेंस की डिपेंड करे या मैटर पर डिपेंड करे, वैसी टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को प्यारे बच्चों हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. एज अ लॉट मोर डिस्टर्बेंस, उनको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज प्यारे बच्चों. ठीक है ना, समझ आ गए यहाँ पे? अब यहाँ पे दूसरा टाइप जो आता है, बाद में मैं एग्जाम्पल्स दूंगा. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वैसी प्रॉपर्टीज सिस्टम की होती है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो आप, जो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती है. तो मैं यहां पे लिखूंगा दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस. अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस, ये बात आप दिमाग में रखेंगे. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं पहले ये मसला सॉर्ट आउट करूंगा. सॉरी फॉर द इंटरप्शन.
तो मैं क्या कह रहा था प्यारे बच्चों, मैंने कहा दैट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज थर्मोडायनेमिक्स में वैसी प्रॉपर्टीज कहलाता है जो डिपेंड करता है अपॉन द अमाउंट ऑफ अ मैटर और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि जो प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड करेगी, यानी कि जितना अमाउंट ज्यादा होगा उसी के हिसाब से प्रॉपर्टी होगी, जितना अमाउंट कम होगा उस प्रॉपर्टी का वैल्यू अकॉर्डिंगली होगा, वैसे टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड मैटर पे नहीं करती है, दोस प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ मैटर, वैसी प्रॉपर्टीज को प्यारे बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल्स दूंगा कुछ और उसके बाद मैं आपको ये चीजें अंडरस्टैंड करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल आप देखोगे, अगर आप लेंगे वॉल्यूम, देखिए अगर आप वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम जो है ना प्यारे बच्चों, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बिकॉज अगर आप ध्यान दोगे, मैं अगर कहूंगा आपको इस रूम का वॉल्यूम क्या है, अगर मैं पूरा रूम लूंगा और इस रूम का आधा हिस्सा लूंगा, क्या प्यारे बच्चों वॉल्यूम सेम रहेगा? यानी कि मैं आपको कहूंगा बताओ इस पूरे रूम का वॉल्यूम कितना है, और दूसरी बात इस छोटे से पार्ट का वॉल्यूम कितना है, क्या वॉल्यूम सेम आएगा? नहीं, ये डिपेंड करेगा, बिकॉज आप जितना वॉल्यूम ज्यादा लेंगे, फॉर एग्जाम्पल उस वॉल्यूम में उतना ही मैटर जो है, अमाउंट जो है उतना ज्यादा आएगा, ठीक है। अगर आप छोटा सा लेते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो उसमें कितना आएगा, उसमें अमाउंट कम आएगा। तो वॉल्यूम एक ऐसी प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, याद रखना है, वॉल्यूम एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, तो इसलिए इसको आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ एग्जाम्पल मास, मास तो खुद ही है, बिकॉज जितना मास ज्यादा होगा, मास किससे रिलेटेड है, मास को आप यूजुअली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स से, नंबर ऑफ मोल्स जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी, ये रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी, जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो जाहिर सी बात है मतलब उतना मास ज्यादा है, और सिंस यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, सिंस यहाँ पे अमाउंट आ गया, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स का हो या मास का हो प्यारे बच्चों ये क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप लोगे फॉर एग्जाम्पल हीट कैपेसिटी, देखिए यहाँ पे मैं लूंगा हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी भी क्या है, हीट कैपेसिटी भी प्यारे बच्चों जो है वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं आपको बताता हूँ हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी का मतलब ये है दैट आपको कितनी हीट चाहिए एक बॉडी के टेम्परेचर को राइज करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल बाय 1 डिग्री, मतलब कि आपको एक बॉडी लेनी है, उस बॉडी को आपको हीट करना है, तो आपको कितनी हीट चाहिए उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए। अब जाहिर सी बात है कोई बॉडी छोटी है तो उसको कम ही हीट आपको लगेगी, कोई बॉडी आप बड़ी बॉडी लेते हो तो सिंस उसमें अमाउंट ज्यादा है तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी होता क्या है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको चाहिए एक बॉडी का टेम्परेचर राइज करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस से, द अमाउंट ऑफ द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। तो बॉडी का यहाँ पे साइज नहीं बताया गया है, छोटी बॉडी को कम हीट लगेगी, बड़ी बॉडी को ज्यादा हीट लगेगी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए उनको कितना हीट चाहिए उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। अब जाहिर सी बात है जब आपने बॉडी तस्वुर में ली, बॉडी छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, तो इसका मतलब हीट कैपेसिटी अमाउंट पर डिपेंड करेगा, देयरफॉर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनेगा। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। इसी तरीके से आप एनर्जी ले लो, एनर्जी आप कोई भी ले सकते हो, एनर्जी आप पैरा बच्चों कोई भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग एंथैल्पी, एंथैल्पी हालांकि आप कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये क्या टर्म होती है, इस चीज के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है आगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना याद रखेंगे दैट एंथैल्पी इज बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी, याद रखिए। तो एनर्जी आप देखेंगे अमाउंट पर डिपेंड करेगा, बिकॉज जितना अमाउंट ज्यादा होगा ना उस सिस्टम में उतनी ही एनर्जी ज्यादा होगी। बिकॉज अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम है, उसमें फॉर एग्जाम्पल एनर्जी के जितने भी टाइप उसमें लिखूंगा ना यहाँ पे, सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बिकॉज जब आप एनर्जी सिस्टम की बात करते हो तो सिस्टम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, सिस्टम में कितना अमाउंट है, हर एक पार्टिकल की अपनी अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है ना। जब आप सम अप लेते हो ना तो वो उसका काउंट हो जाएगा, अगर किसी सिस्टम में अमाउंट कम है तो उसकी एनर्जी भी कम होगी, अगर किसी सिस्टम में अमाउंट ज्यादा है तो पर मॉलिक्यूल के हिसाब से हर एक की एनर्जी ऐड हो जाएगी तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो एनर्जी के जितने भी टाइप्स है, एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस।
energy depends upon the quantity of a substance. You're getting what I'm saying? And such properties, you already know they are called as extensive properties. So what I want to say is, enthalpy jo hai, it's a form of energy, therefore it's an extensive property. Isi tarike se ek aur concept hai jisko kehte hai internal energy. Internal energy. Internal energy. Energy aa gaya na fir se yahan pe. जब इंटरनल एनर्जी फिर से आ गया तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये फिर से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एंथैल्पी के लिए टर्म जो इस्तेमाल की जाती है, सिंबल सिंबल वो एच है, ये धीरे धीरे आप सीखोगे. इंटरनल एनर्जी के लिए टर्म जो की इस्तेमाल जाती है, मतलब सिंबल, वो तो ई है या कुछ बुक्स यू भी लिखते हैं, ठीक है ना, ये बाद में आप देखेंगे. या इसी तरीके से एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको कहते हैं एंट्रोपी. एंट्रोपी एक तरीके से एनर्जी का एक फॉर्म है. एंट्रोपी, एंट्रोपी की सिंबल एस है. इसको आप डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डर भी कहते हो, ठीक है ना. तो ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है प्यारे बच्चों. एनर्जी फिलहाल के लिए ध्यान में रखनी है आपको, हालांकि हम ये टर्म्स अलग से पढ़ने हैं. थर्मोडायनेमिक्स में इनके साथ बहुत सारा हमने डिस्कस करना है, तो आप टेंशन मत लो, फिलहाल आप खाली टर्म्स याद रखो. इसी तरीके से एक और एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. देखो गिब्स फ्री एनर्जी, तो फ्री एनर्जी आ गया, एनर्जी आ गया, यानी कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं. इसकी सिंबल जो है ना वो कैपिटल जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं. प्यारे बच्चों समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इनको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जैसे मैंने क्या कहा, वॉल्यूम आ गया यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स मास आ गया इस पे, जैसे हीट कैपेसिटी है, जैसे एंथैल्पी है, जैसे इंटरनल एनर्जी है, जैसे एंट्रोपी है, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी है, ये सारी की सारी जो है इनको हम कहते हैं अमाउंट सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. अब आप कहोगे सर सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, हाँ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. अब आप कहोगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी सर आपने कहा वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अमाउंट पर डिपेंड ही नहीं करती. अमाउंट कम हो अमाउंट ज्यादा हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा. उनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, और ये अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको नीट जेई एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो कुछ टर्म्स इवन ऐसी होती है उनका हमें अंदाजा ही नहीं होता है वो एक्सटेंसिव है इंटरनल, ठीक है. तो ध्यान में रखेंगे, मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा. चेक इट आउट. अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे यहां डिपेंड नहीं करेंगे, उन प्रॉपर्टीज को क्या कहेंगे सर, उन प्रॉपर्टीज को इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहेंगे. अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में एग्जाम्पल्स क्या है, पहले प्रेशर. प्रेशर याद रखेंगे, प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. जैसे जैसे मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा, प्रेशर की सिंबल पी है वो आपको पता है. मान लो मैं आपको कहूंगा इस रूम का प्रेशर जो है वो 2 bars है. सपोज इस रूम का जो है प्रेशर कितना है, 2 bars. एंड इमेजिन करो ना ही कोई गैस बाहर जा रहा है ना ही कोई गैस अंदर आ रहा है, बाकी कंडीशंस भी जो है वो नॉर्मल है, कॉन्स्टेंट है. तो आप मुझे बताइए, आप एक पूरे रूम का प्रेशर मेजर कीजिए प्यारे बच्चों, या आप एक छोटे से पार्ट का प्रेशर मेजर कीजिए, प्रेशर वहां पे भी सेम होगा, प्रेशर यहाँ पे भी सेम होगा. यहाँ पे मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मतलब ये हुआ दैट आप पूरे रूम की बात करते हो उस टाइम वहां पे अमाउंट ज्यादा होगा गैस का, आप छोटे से पार्ट की बात करते हो वहां पे उसका अमाउंट कम होगा. लेकिन यहाँ पे प्रेशर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पे प्रेशर वहां पे भी सेम होगा यहाँ पे भी सेम होगा. आप समझ आ रही ना. मान लो आप एक रूम का प्रेशर मेजर कर रहे हो पूरे रूम का, तो आपने जो है फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंट जिसे आप प्रेशर मेजर करते हो, बैरोमीटर जिसको आप कहते हो, तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आपको सेंटर रूम के सेंटर में रखा और आपको प्रेशर का वैल्यू आ रहा है 2 bar. अब मान लो आप कह रहे हो कि नहीं सेंटर में मैं कॉर्नर में रखूंगा, आप उस कॉर्नर वाले पार्ट का कीजिए या पूरे रूम का कीजिए, प्रेशर का वैल्यू सेम ही रहेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ दैट प्रेशर जो है इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करेगा. कुछ चीजें क्लियर हो रही ना आपको, वेरी गुड. इसके बाद टेम्परेचर. टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. टेम्परेचर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझाऊंगा यहां पर. मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है v, लेट सपोज इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है v, एंड लेट सपोज इस कंटेनर का टेम्परेचर है t. आपने ये रूम लिया या जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम का आप देखते हो कितना वॉल्यूम है, आपने रिप्रेजेंट v से किया, और आप थर्मामीटर से फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर मेजर कर रहे हो. मान लो आप कह रहे हो सर रूम टेम्परेचर है 25°C. अब आपको क्या कहा जा रहा है कि इस रूम का पार्टीशन करो, एक इमेजिनरी आप इसका हिस्सा कर दीजिए, क्या वॉल्यूम सेम रहेगा बताइए, क्या कंपार्टमेंट्स का वॉल्यूम सेम रहेगा? अब वॉल्यूम हाफ हाफ हो जाएगा, सिंस वॉल्यूम अमाउंट पे डिपेंड कर, बिकॉज अमाउंट
अलग अलग होगा जी, यहाँ से थोड़ा गैस होगा, आधा गैस, और वहां उस कंपार्टमेंट में आधा गैस होगा। सिंस वॉल्यूम का दो हिस्सा हो गया तो इसलिए वॉल्यूम अमाउंट पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम तो ऑलरेडी मैंने लिखा, वो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या आपको लगता है जब आपने एक इमेजिनरी एक कंपार्टमेंट, एक इमेजिनरी एक फ्रेम, एक इमेजिनरी वॉल तस्वीर किया जिसकी वजह से वॉल्यूम उसका तो हिस्सा हो गया, क्या आपको लगता है टेम्परेचर T/2 हो जाएगा? कॉमन सेंस देख लीजिए, ठीक है ना। आप रूम में बैठे इमेजिन कीजिए, यहाँ पे कंपार्टमेंट है, वॉल्यूम का हिस्सा हो गया, टेम्परेचर डजंट चेंज, बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों। तो अगर आप इसका कंपार्टमेंट का हाफ कर दोगे ना, हालांकि वॉल्यूम V/2 हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखोगे टेम्परेचर यहाँ पे भी टी रहेगा, टेम्परेचर यहाँ पे भी टी रहेगा, बिकॉज टेम्परेचर इज सच एन थर्मोडाइनेमिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, देयरफॉर वी कॉल दिस एज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ग्रेट। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लेते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि अमाउंट पर डिपेंड ही नहीं करती, बिल्कुल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हीट कैपेसिटी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टर्म है उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिकॉज जब आप स्पेसिफिक हीट लेते हो ना, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फर्क क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आप अमाउंट सबस्टेंस का स्पेसिफिक लेते हो, मतलब वी से द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, या सपोज 1 kg, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, 1 ग्राम और 1 kg, तो यहां पे सब्सटेंस आप कोई भी ले लो लेकिन उसका अमाउंट आप सेम लेते हो, तो उस टाइम एक यूनिट अमाउंट सब्सटेंस को कितना हीट करना पड़ेगा आपको सो दैट उसका टेम्परेचर 1 degree से राइज हो जाए। मान लो मैं कहूंगा द अमाउंट ऑफ द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 degree centigrade, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या उसको सिंपली कहते हैं स्पेसिफिक हीट, उसको सिंपली स्पेसिफिक हीट भी कह सकते हैं। लेकिन यहां पे मैंने क्या लिया, 1 ग्राम, मैंने अमाउंट यहां से ही फिक्स कर दिया, तो जब मैंने अमाउंट फिक्स कर दिया उसके बाद ये किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, हालांकि उसके लिए इक्वेशन अलग से होगी, वो आप आगे पढ़ोगे। तो उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी और उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। प्यारे बच्चों सबको क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो वो क्या होगी, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, बिकॉज यहाँ पे आप अमाउंट को ऑलरेडी फिक्स रख रहे हो, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज डेंसिटी, दैट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी अगर आप देखोगे डेंसिटी, हालांकि मैं आपको बाद में ट्रिक भी बताऊंगा, सर हम कैसे याद रखेंगे एक्सटेंसिव कोन है, इंटेंसिव कोन है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स होगी, हमें ऐसे थोड़ी याद रहेगा, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन आप देखो कि मैं आपको बाद में एक नोट बताऊंगा इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको बहुत आसानी होगी ये जानना कि एक प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए डेंसिटी जो है, डेंसिटी इज ऑल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिकॉज डेंसिटी किसके बराबर होता है, चलो मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जगह दिख रही होगी, इस कॉर्नर में मैं नोट लिखूंगा। नोट क्या है, अगर आप देखोगे रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इस चीज को ध्यान में रखिए। अगर आपको कभी कभार ये जानना हो कि ये जो प्रॉपर्टी मुझे दी गई है ये इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, अगर वो प्रॉपर्टी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो थी तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है। ये मैंने अब इसीलिए पहले ही क्यों आपको बताया, आप यहां पे आ जाइए डेंसिटी पे आ जाइए, आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर है, बताइए प्यारे बच्चों। डेंसिटी जो होती है डी, वो होता है बराबर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सबको समझ आ रहा है। अब खुद ही बताइए आप, मास है क्या, मास तो ऑलरेडी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सर मास तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखिए यहां पर वॉल्यूम क्या है प्यारे बच्चों, सर वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दैट विल बी इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो डेंसिटी आप याद रखेंगे इट इज अ रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, देयरफॉर इट ऑलवेज बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पर होना भी चाहिए। आप आयरन ले लीजिए जिसको आप लोहा कहते हो, शिस्तर, ठीक है, आप पूरे ब्रिज का लोहा ले लो या एक लोहे का एक टुकड़ा ले लो, जब आप डेंसिटी की बात कर रहे हो ना तो डेंसिटी उस ब्रिज की भी कांस्टेंट होगी, डेंसिटी, दैट इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम,
और छोटा सा लोहे का टुकड़ा ले लोगे उसकी भी डेंसिटी कॉन्स्टेंट होगी, बिकॉज ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना? वेरी गुड। तो याद रखेंगे आज से, आप जब भी आपको कंफ्यूजन होगा या जब भी आपको ये जानना होगा कि एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, अगर वो प्रॉपर्टी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हुई तो वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव कहलाएगी। ठीक है, तो चलो मैं यहां पे इरेज करता हूं, आई होप ये आपको समझ आ गया। चलिए देखेंगे यहां पे एक और चीज। अगर आप यहां पे देखोगे एक और चीज, जैसे डेंसिटी तो मैंने कहा, इसीलिए इस जैसे कंडक्टिव जो होती है, कंडक्टिविटी, ये चीजें आप याद रखोगे, कंडक्टिविटी जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, अमाउंट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना, जैसे आप कहोगे विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मैंने पढ़ाया आपको ऑलरेडी स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है ना, तो विस्कोसिटी जो कॉन्सेप्ट है, इट इज बेसिकली इट अराइजेस ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंस स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप लिक्विड का एक पूरा दरिया ले लो या बकेट में लिक्विड ले लो, तो प्यारे बच्चों उस पर डिपेंड नहीं करेगा। विस्कोसिटी इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी, तो ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा, देयरफॉर इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, इसी तरीके से सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन आप प्यारे बच्चों ये भी मैंने आपको पढ़ाया, आप सरफेस टेंशन पूरे लिक्विड का बताओ, एक बकेट में है या एक ड्रॉप का बताओ, तो सरफेस टेंशन का जो ये वैल्यू होगा वो दोनों के लिए सेम होगा फॉर दैट लिक्विड, देयरफॉर इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ अ सबस्टेंस, देयरफॉर इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर कुछ स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम होगी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है, जैसे मैं अभी क्लियर करूंगा। अब आप कहोगे सर ये तो कॉन्सेंट्रेशन खुद ही आ गई, ये तो शायद अमाउंट पर डिपेंड करेगा। अरे ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ये मास नहीं है, मास का कॉन्सेप्ट अलग है प्यारे बच्चों, मास इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जैसे कॉन्सेंट्रेशन, या मैं लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, चलो मैं इसको ज्यादा अप्रोप्रिएट करूंगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का क्या मतलब है, सच एज आपने पढ़ा होगा मोलैरिटी, या नाम सुना होगा मोलैरिटी, जैसे मोलैलिटी MOLALITY, जैसे नॉर्मैलिटी, बात समझिए यहां पे, जैसे नॉर्मैलिटी, जैसे मोल फ्रैक्शन, ये सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स है, यानी कि ये एक ऐसे मेथड्स है जिससे हम सॉल्यूशन में उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिटरमिन कर सकते हैं। अब आपको यहां ध्यान में देखना है, मैंने आपको ऑलरेडी ट्रिक बताई है, इफ द प्रॉपर्टी इज द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इट विल बी डेफिनेटली एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ सी मैं आपको मोलैरिटी बताता हूँ, मोलैरिटी क्या होता है, ठीक है ना, बाद में मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, उनका भी लॉजिक सेम ही होगा। तो यहां पे आप याद रखेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। जैसे मोलैरिटी हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मोलैरिटी हम कहते हैं, मोलैरिटी होता है बराबर नंबर ऑफ मोल्स सिंपल डिवाइडेड बाई कितने वॉल्यूम में, इसको मोलैरिटी कहते हैं। अगर आपको नहीं पता ये तो याद रखिए, मोलैरिटी का क्या मतलब होता है, मोलैरिटी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ मोल्स है लेकिन कितने वॉल्यूम में है, तो ये तो रेशो आ गया। ठीक है ना, अगर आप पहली बात देखोगे यहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सर वो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम क्या है, सर वो भी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये तो उन्हीं का रेशो है ना, एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाई एक्सटेंसिव, दैट विल अगेन बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कुछ समझ आ रही है, तो सिंस इट इज अ रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, देयरफॉर मोलैरिटी इज ए, जैसे हम कहते हैं मोलैरिटी को हम सिंबल जो है देते हैं वो कैपिटल एम देते हैं ऐसे, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वी, दैट इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन बाय वी, एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव, दैट इज इंटेंसिव। इसी तरीके से जब आप मोलैरिटी लेते हो, मोलैरिटी में होता है यही नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन वहां पर डिपेंड आता है, नीचे वॉल्यूम नहीं आता है वहां पे, यहां पे वॉल्यूम इन लीटर्स आता है, वहां पे आता है ये ना सॉल्वेंट का, वहां पे हम लेते हैं केजीज में, वेट लेते हैं, लेकिन सिंस वेट केजी का, केजी तो मास से रिलेटेड है, सिंस वो फिर से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव डिवाइड बाय एक्सटेंसिव वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अरे बच्चों मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जब भी आप एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी देखोगे इट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
बात ध्यान में रखना, जितने भी मैंने यहाँ पे आपको टर्म्स बताए ना, ये सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी और बताई जाती है, पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। एक और चीज, चलो कंसंट्रेशन टर्म्स तो समझ आ गई, मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं ये थोड़ा इरेज करूंगा बिकॉज मुझे थोड़ी जगह चाहिए, डेंसिटी में ये पे रखूंगा बिकॉज मुझे डेंसिटी पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी, उसके बाद में कुछ और टर्म्स का जिक्र करूंगा। देखिए देखिए, डेंसिटी जो मैंने यहां पे लिया, इसका थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है। देखिए मतलब क्या, अगर आप डेंसिटी सॉलिड्स की और लिक्विड्स की बात कर रहे हो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, वो हमेशा क्या रहती है, वो हमेशा रहती है अंडर कांस्टेंट कंडीशंस, वो कांस्टेंट रहता है, वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, प्यारे बच्चों वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसमें कोई शक है नहीं। तो याद रखिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा, डी इज द डेंसिटी, density of solids ds, that is density of solids slash, and dl, that is density of liquids, is always an intensive property. इस बात को ध्यान में रखें। यहां तक क्लियर हुआ, बात सुनो दूसरी। लेकिन लेकिन जो डेंसिटी ऑफ गैसेस की बात करते हो, 1 करोड़ रुपए की बात बता रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड नोट इट डाउन। डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स लोगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स लोगे, एंड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बाकी चीजें वो कॉन्स्टेंट ही रहता। लेकिन प्यारे बच्चों डेंसिटी जो है वो फॉर गैसेस अगर हम बात करेंगे, चलो सॉलिड्स के केस में तो समझ लिया हमने, लेकिन अगर मैं डेंसिटी गैसेस की बात करूंगा, फॉर गैसेस अगर मैं बात कर रहा हूं, तो उनकी डेंसिटी जो होती है दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, but that does not remain constant at constant volume, because aapne amount dal diya sab. dekho main aapko ye bata raha hu for gases main likhunga yahan pe d of g. what is d of g? it is density of gases. it is definitely an intensive property, magar kahan pe? at constant pressure. ye bahut important point hai, note kar lo. agar aap density of gases ki baat kar rahe ho, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है 100%, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे। जैसे जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, आप लेते हो फॉर एग्जांपल एक गैस एक कंटेनर में लेते हो, ठीक है ना। जैसे मैं आपको यहां पे समझाऊंगा, चलो मैं नीचे वाला पोर्शन रेज करूंगा, ये आपने समझ लिया, सॉलिड और लिक्विड के लिए आपने समझ लिया। देखिए मानो मेरे पास एक कंटेनर, ध्यान देना, और मान लो इस कंटेनर में प्यारे बच्चों एक मूवेबल पिस्टन जो है वो इसको जो है वो अटैच किया हुआ है, मूवेबल पिस्टन, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। और मान लो यहां पे क्या है, यहां पे मान लो एक इनलेट चेक कीजिए, और यहां पे आपने इसको जो है क्या किया है, मान लो आपने एक पंप डाला है, यहां से वैक्यूम पंप क्या लाएंगे। अब देखिए ध्यान में, इसका वॉल्यूम कितना है, सपोज वॉल्यूम वी है, और मान लो इसका प्रेशर पी है, और इसमें ऑलरेडी गैस है, तो गैस की कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी। अब देखिए आप इसमें फिर से एयर डाल रहे हो अंदर, आप एयर डाल, एयर जब आपने अंदर डाला तो वहां पर क्या होगा, वहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा बिकॉज नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, जो ही आपने गैस अंदर थोड़ा और डाला तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आप देखोगे नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जितना ज्यादा बढ़ेगी उतना प्रेशर एग्जर्ट ज्यादा होता है। उस प्रेशर एग्जर्ट करने से क्या होगा, वो प्रेशर खाली वॉल्स पे एग्जर्ट नहीं होगा, वो पिस्टन पे भी एग्जर्ट होगा। लेकिन सिंस द पिस्टन इज मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस, आप देखोगे पिस्टन जो है ना ये न्यू पोजिशन पे ऊपर आएगा। मान लो आप देख लीजिए क्यों आएगा, इन ऑर्डर टू कीप द प्रेशर कॉन्स्टेंट, जो पहले प्रेशर था उसका वैल्यू सेम रखने के लिए प्रेशर पिस्टन जो है वो ऊपर अब आएगा। देखिए ये न्यू पोजीशन पे आएगा, अब खुद ही देखो कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम तो इतना इंक्रीज हुआ,
बिकॉज आपने सिंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ज्यादा डाले, तो इन ऑर्डर दैट गैस अपना प्रेशर कॉन्स्टेंट रखे, वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सच दैट फिर से वहां पे क्या होगा, देखो बात समझो, डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, फिर से ये पॉइंट समझो। आप क्या कह रहे हो, पहले सर डेंसिटी कितनी थी, सर जितना मास था उतना वॉल्यूम था, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आगे डेंसिटी। लेकिन जो ही मैंने इसमें नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फिर से डाले, देखो मैं नंबर डाल रहा हूँ, मैं गैस और ज्यादा डाल रहा हूँ, आप क्या बेसिकली इंक्रीज कर रहे हो, आप मास इंक्रीज कर रहे हो, आप मास क्या कर रहे हो, आप इंक्रीज कर रहे हो, बिकॉज आपने नंबर ऑफ गैस ज्यादा डाले। वो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जब अंदर इंक्रीज हुए, यानी कि अमाउंट जब आपने इंक्रीज किया, तो उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हुआ, बिकॉज नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा बढ़ गए, गैस की कॉन्सेंट्रेशन जब अंदर बढ़ेगी ना प्यारे बच्चों, गैस के मॉलिक्यूल्स रेस्ट में तो होते नहीं है, वो तो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, उस कोलिजन की वजह से प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन अब प्रेशर जब बढ़ा, मुझे प्रेशर क्या रखना है, मुझे तो कांस्टेंट प्रेशर रखना है, प्रेशर जब बढ़ा तो वो प्रेशर किस पे एग्जर्ट होता है, पिस्टन पे। पिस्टन क्या करता है, पिस्टन काम करता है, देखो ये तो इंक्रीज हुआ ना, अगर ये इंक्रीज हुआ बिकॉज आपने गैस अंदर डाला, आपका मास इंक्रीज हुआ, जब मास इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी भी क्या होगी, डेंसिटी तो इंक्रीज होगी, लेकिन आप चाहते हो डेंसिटी इंक्रीज हो, आप चाहते हो डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहे, तो ये अगर इंक्रीज हुआ, बताओ वॉल्यूम को क्या होना है सच दैट डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी, वॉल्यूम को डिक्रीज होना है, इसीलिए तो गैस एक्सपेंड करता है, इसीलिए जो आपके गैस इंट्रोड्यूस करने से प्रेशर इंक्रीज हुआ, गैस ने वॉल्यूम अपना एक्सपेंड किया, सो दैट प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, और उसकी वजह से वॉल्यूम डेफिनेटली डिक्रीज होगा, लेकिन डेंसिटी का वैल्यू फिर से कांस्टेंट रहेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं आपको। तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट, अगर फॉर गैसेस इफ यू आर आस्किंग अबाउट द डेंसिटी ऑफ अ गैस बट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जो मैंने आपको समझाया, उस टाइम वैल्यू कॉन्स्टेंट डेंसिटी का रहेगा, एंड दैट टाइम इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बट बात सुनिए, अगर आपने कंटेनर ऐसा लिया, चलो मैं ये वाला एक पार्ट इरेज करता हूं, देखिए अगर मैंने प्यारे बच्चों कंटेनर ऐसा लिया जो कि मैंने क्लोज कर दिया, पहले इनलेट मैंने रखा, चलो ठीक है गैस को अंदर डालने के लिए इनलेट मैंने रखा, आपने पहले इसको क्लोज किया, पिस्टन पिस्टन सिस्टम नहीं है, जब आपने इसको पहले क्लोज किया, बताओ इसमें जो वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम उसको इंक्रीज होने की गुंजाइश है, वॉल्यूम जितना भी रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा। अब देखिए आपने पहले जितना भी गैस था, सर चलिए ठीक है आपने गैस डाला, और इसका प्रेशर कितना था, प्रेशर पी था, वॉल्यूम वी था, लेकिन जो ही आप इसमें गैस अंदर डाल रहे हो तो अब क्या हो रहा है, फिर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं, फिर से आप क्या कर रहे हो, फिर से आप मास इंक्रीज कर रहे हो, जब मास इंक्रीज होगा, लेकिन क्या यहाँ पे पिस्टन है जो इंक्रीज हो जाएगा, जिसको प्रेशर अप्लाई होगा नीचे से और एक्सपेंड हो जाएगा गैस, वो तो है नहीं, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ कोलिजन से प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर जब इंक्रीज होगा लेकिन वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज वॉल्यूम यहाँ पे प्यारे बच्चों कांस्टेंट रहेगा। इस टर्म को समझिए, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहा लेकिन आपकी गैस इंट्रोड्यूस करने से, बिकॉज मैं फिर से कह रहा हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, आपकी गैस इंट्रोड्यूस करने से मास तो इंक्रीज हुआ, देखिए मास इंक्रीज हुआ, लेकिन क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो ही नहीं सकता, वहां तो पिस्टन है नहीं, वहां पे तो कंटेनर बिल्कुल क्लोज है, वो तो कांस्टेंट है, तो जब नीचे वाला इंक्रीज ही नहीं होगा ना डिक्रीज होगा, लेकिन ऊपर वाला इंक्रीज हो रहा है, क्या उस टाइम डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, नहीं प्यारे बच्चों, उस टाइम डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो अगर आप बात कर रहे हो उस टाइम डेंसिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम बट नॉट एट कांस्टेंट प्रेशर, देन एट दैट टाइम डेंसिटी ऑफ गैस बिकम्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिकॉज नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द गैस व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर। ये पॉइंट्स आपकी बुक्स में यूजुअली नहीं दिए होंगे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे बता दी, तो क्या किया आपने, तो आपने ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा, तो मैं इस पार्ट को इरेज करूंगा और मैं आपको फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ दैट अगर आप डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की बात कर रहे हो, वो यूजुअली कॉन्स्टेंट रहती है, उनमें चेंज नहीं आता है, तो वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसलिए देखो आप प्यारे बच्चों डेंसिटी ले लो एक बकेट वाटर की, या आप एक गिलास वाटर की डेंसिटी ले लो, जितनी उसकी डेंसिटी होगी ना उतनी इसकी ही डेंसिटी होगी। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो इसलिए वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन सो फार एज गैसेस आर कंसर्न, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी ऑफ गैसेस बट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, मैंने सिखाया आपको, मैंने प्रूव करके दिया, उस टाइम वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी ऑफ गैसेस But at constant volume, प्यारे बच्चों अभी मैंने ये प्रूव करके दिया, उस टाइम डेंसिटी ऑफ गैसेस जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनती है।
वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनती है। ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया आपको। तो डेंसिटी ऑफ गैसेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दैट्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बट डेंसिटी ऑफ गैसेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दैट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यहां तक क्लियर हुआ सबको? वेरी गुड। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आता है। जैसे देखिए, एक और इंपॉर्टेंट टर्म है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको आप कह सकते हो ईएमएफ, या टर्म एक और है इसके लिए, उसको कहते हैं हम या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हालांकि ये फिजिक्स में भी टर्म्स इस्तेमाल की जाती है, ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है, जैसे क्या कहते हैं उसको, जैसे रेजिस्टेंस, चलो वो वैसे वो तो बाकी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे ईएमएफ हो या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, ये नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। तो यूजुअली ये कभी कभार, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ईएमएफ क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, हालांकि इसका भी ज्यादातर इस्तेमाल फिजिक्स में ही होता है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। अब बात सुनो इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने यहां पे क्या कहा आपको, एंथैल्पी क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंट्रोपी क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी तो खुद ही बता रहा है मैं एनर्जी हूं, एंड गिव्स फ्री एनर्जी या वर्क है, जैसे वर्क है, वर्क इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सी व्हाट आई एम सेइंग, एंथैल्पी हो, एंट्रोपी हो, इंटरनल एनर्जी हो, गिव्स फ्री एनर्जी हो, ये सारी की सारी अमाउंट पर डिपेंड करेगी और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टीज आप डिफाइन करते हो, अगर आपको यही प्रॉपर्टी चाहिए लेकिन फॉर वन मोल, उसको क्या कहेंगे, देखो उसको क्या कहेंगे, अगर एंथैल्पी लेते हो फॉर वन मोल के लिए आपने, अरे बच्चों वन मोल फिक्स्ड क्वांटिटी, वन मोल इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, समझे बात को, तो उस टाइम वो बनती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट मोलर एंथैल्पी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर एंथैल्पी, एंथैल्पी की टेंशन मत लो, मैं फिर से कह रहा हूं, एंथैल्पी का अलग से डिस्कशन हमने करना है। एंथैल्पी आप फिलहाल इतना याद रखो दैट ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने कहा मोलर एंथैल्पी, इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर लिखूंगा, इसका मतलब है एंथैल्पी फॉर वन मोल ऑफ सब्सटेंस, सिंपल है, देखिए फॉर वन मोल, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर, सिंस वन मोल कांस्टेंट रहता है तो उस वन मोल के लिए वो मोलर एंथैल्पी भी कांस्टेंट रहेगी। सो एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बट मोलर एंथैल्पी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहां तक दूसरी बात, एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बट मोलर एंट्रोपी जो है दैट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सबको समझ आ रहा है? या इसी तरीके से गिब्स फ्री एनर्जी है, तो यूजुअली गिब्स फ्री एनर्जी का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब हम मोलर गिब्स फ्री एनर्जी यूजुअली नहीं कहते हैं, कह भी सकते हैं, तो उस टाइम वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। यानी कि जब भी आप एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एक मोल के लिए रिप्रेजेंट करते हो तो उसको हम कहते हैं मोलर एंथैल्पी। जैसे एंथैल्पी के लिए सिंबल क्या है प्यारे बच्चों, H, मोलर एंथैल्पी के लिए सिंबल जो है ना वो है H डिवाइडेड बाई N, N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, कितनी एंथैल्पी कितने नंबर ऑफ मोल्स, इसको कहते हैं मोलर एंथैल्पी। एंट्रोपी की सिंबल S है, जब आप पर मोल कहते हो तो दैट मींस, या चलो मैं यहां पे लिखता हूं मोलर एंथैल्पी फॉर वन मोल, एंट्रोपी फॉर डिवाइडेड बाई वन मोल से नीचे डिवाइड करना है तो उसको कहते हैं मोलर एंट्रोपी। तो जब आप वन मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्वांटिटीज डिस्क्राइब करते हो तो वहां पे उस टाइम वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो मैंने आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये बताया कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आपको थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो अगर आपको कोई क्वांटिटी ऐसी है विच इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दैट इज ऑलवेज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इस चीज का आप ध्यान में रखेंगे। सबको क्लियर हुआ? जैसे मैंने यहाँ पे डेंसिटी का भी आपका कहा, तो डेंसिटी आप याद रखेंगे। देखिए मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ, ये चीजें आपने ध्यान में रखी होगी, क्योंकि मैं आपको क्या पॉइंट बताने जा रहा हूँ। मैंने अभी आपको कहा डेंसिटी क्या है, आपने कहा कुछ नहीं कहा आपने, मैंने ही कहा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखो मैं ये पॉइंट क्लियर करूंगा,
वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है। देखिए डेंसिटी को हम क्या लेते हैं, देखो मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, फिर से लेते हैं इस कंटेनर में मास कितना है गैस का, सपोज एम है, देखिए और वॉल्यूम कितना है वी है, तो बताओ डेंसिटी कितना होगा। सर डेंसिटी हो गया एम डिवाइडेड बाई वी, ध्यान में रखा सबने, फिर से कह रहा हूँ, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है उसमें गैस का अमाउंट कितना है एम और वॉल्यूम है वी, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू एम बाई वी। आप सुनो, मान लो आप कंटेनर को हाफ कर दीजिए, बताओ जब आप कंटेनर को हाफ करोगे तो अमाउंट भी तो हाफ होगा ना, आधा गैस इधर आधा गैस इधर, मान लो न्यू मास कितना है सर m बाई टू, तो यहाँ पे भी कितना हो गया एग्जैक्टली आप करेंगे सपोज m बाई टू, वॉल्यूम कितना रहेगा सर वो तो v बाई टू हो जाएगा। जरा फिर से डेंसिटी निकालो, डेंसिटी इज इक्वल टू दैट इज मास, मास अब कितना है वो तो m बाई टू है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है वो तो v बाई टू है, तो टू टू कैंसल, वो फिर से निकल गया m बाई v, तो व्हाट डज इट मीन, डेंसिटी कॉन्स्टेंट रही, डेंसिटी चेंज नहीं हुआ। लेकिन हालांकि डेंसिटी के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए डेंसिटी का वैल्यू चेंज नहीं होता है और वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या रहेगा। बट फॉर गैसेस यू हैव टू कीप इन द माइंड दैट फॉर गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर डेंसिटी इज अ डेफिनेटली एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम द डेंसिटी विल नॉट रिमेन सेम, देयरफॉर इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सबको क्लियर हुआ? तो इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट फॉर एग्जाम्पल आप इनमें से बताओ कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है। तो चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और उसके बाद जो है हम इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, जिसमें हमने आज का टॉपिक जो पढ़ा वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलो मैं आपको अब जितने भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे, ये जो मैंने आपको पढ़ाया इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल सा, चलो दो क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं दो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ और उसके बाद हम आज का वीडियो लेक्चर स्टॉप करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज देर आर सम गुड स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग द वीडियोज रेगुलरली एंड जो फीडबैक भी दे रहे हैं, देर आर सम स्टूडेंट्स जो मुझे व्हाट्सएप पे इवन कॉन्टैक्ट करते हैं, सर अच्छा ये किया आपने, ये कैसे पढ़ाया, इसका क्या मतलब है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहते हैं एंड कुछ बच्चे तो मुझे इवन ये कहते हैं सर हमें पहले ही बताया करें आप कि आपको नेक्स्ट जो है टॉपिक क्या पढ़ाना है। तो अच्छी बात है आप लोग जो है कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, हालांकि क्लासरूम सिचुएशन अलग होती है, उसमें अलग से मज़ा आता है पढ़ाने में, किसी बच्चे को कन्फ्यूजन रहे तो पूछ भी सकते हैं और टीचर क्लियर भी कर सकता है, तो यहाँ पे हमें पता नहीं होता है तो ज़्यादा यू नो फोर्स के साथ पढ़ाना पड़ता है, बट नो प्रॉब्लम, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड मैं कोशिश करूँगा उसी टाइम आंसर देने की। तो चलिए ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो प्रॉब्लम क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, मान लो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पहले क्वेश्चन पूरा देख लेना उसके बाद आंसर देना, does not represent the extensive property, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना फिर आंसर देना, यानी कि आपको जो नीचे ऑप्शंस दिए जाएंगे उनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होगा जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी पहचानना है, ठीक है ना। तो चलो मैं ऑप्शन देता हूं, मान लो नंबर वन एंट्रोपी, देखिए पार्ट बी जो दूसरा ऑप्शन है वॉल्यूम, ठीक है पार्ट सी हीट कैपेसिटी, एंड पार्ट डी, चलो मैं पार्ट डी यहां पे लिखता हूं, हालांकि जो मैं ऑप्शन लिखने जा रहा हूं ना अभी वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कभी कहा ही नहीं, लेकिन आप पहचान सकते हो मोलर वॉल्यूम, देखिए यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, आपको क्या पहचानना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग
does not represent the extensive property, जो कि extensive property है नहीं. इसका मतलब है हमें intensive property ढूंढना है. extensive property वो होता है जो amount पे depend करता है, और intensive property वो होता है जो amount पे depend नहीं करता है. तो देखो पहले एंट्रोपी, मैंने आपको पहले कहा एंट्रोपी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की जितनी भी टर्म्स है वो सारी की सारी मोलर, वो सारी की सारी अमाउंट पे डिपेंड करती है. तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा, करेक्ट, ठीक है ना. तो कर दो क्रॉस. वॉल्यूम, वॉल्यूम तो मैंने पहले ही कहा वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो कर दो क्रॉस. हीट कैपेसिटी, वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी. बॉडी कैन बी स्मॉल, बॉडी कैन बी लार्ज, तो ये भी चला गया. अब वॉल्यूम के बजाय आ रहा है मोलर वॉल्यूम. तो मोलर वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम फॉर वन मोल. सिंस वन मोल इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट टर्म, देयरफॉर मोलर वॉल्यूम इसका आंसर आएगा. सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ. दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके लिए? दूसरा क्वेश्चन मैं यही लिखता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट, या चलो मैं ऐसे लिखूंगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. अब आपको बताना है इनमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है. तो चलो मैं ऑप्शन देता हूँ. देखिए पहला EMF, कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, एंथैल्पी. तो बताइए कौन है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन है जो अमाउंट पर डिपेंड करता है. तो अमाउंट पर डिपेंड करता है कौन है, वो तो पहले ही आ गया इसमें, एंथैल्पी आएगा, ईएमएफ नहीं आएगा. ये इंटेंसिव है, कंडक्टिविटी भी इंटेंसिव है, सरफेस टेंशन भी इंटेंसिव है. तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, वो एंथैल्पी है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में, जिसमें हमने पढ़ा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया, एंड इंशाल्लाह आया होगा. बट द थिंग इज कि एक तो नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप इस यूनिट को, या जो मैंने पिछले यूनिट्स आपको पढ़ाया, इक्विलिब्रियम पढ़ाया, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ मैटर, अगर आप फिर चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के भी इवन छोड़ दोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो ट्रस्ट मी वो आपको भूल जाएगा. तो अगर आपको कामयाब होना है ना, आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंटली टॉपिक्स का रिविजन करना पड़ेगा. जितना आप रिविजन करोगे ना, ट्रस्ट मी यू विल गो थ्रू, इंशाल्लाह यू विल गो थ्रू. एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको बिना कहे वो रिविजन करते हैं, नोट हैंड आउट्स बनाते हैं. तो मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ, एंड प्लीज़ प्लीज़ वर्क फॉर योर सेल्फ. इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह सून. अल्लाह से दुआ करेंगे. तो आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर नंबर 3 में. टिल देन फिर अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम.